अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन को, यानी कि रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है कि हम स्टडी करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती। वहां पे आपको जस्ट जो है वो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल रहे थे और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है तीन प्रोसेस के ऊपर मुश्तमिल है, एक है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। तो चलिए शुरू में जो है इसको बार बार डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से क्या मुराद है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, वो 10 रिएक्शन होते हैं और 10 रिएक्शन से गुजर कर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के अंदर तब्दील हो जाता है। ठीक है, 2 जो है वो इसके अंदर पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के अंदर तब्दील हो जाता है। पाइरुविक एसिड जो है 3 कार्बन के ऊपर एक मुश्तमिल कंपाउंड है, तो 3 कार्बन एक पाइरुविक एसिड के अंदर, 3 कार्बन जो है दूसरे पाइरुविक एसिड के अंदर जो है कि तब्दील हो जाएंगे। और ये किससे बने हैं, ग्लूकोज से बने हैं। ग्लूकोज के अंदर 6 जो है कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है पाइरुविक एसिड के अंदर, ठीक है, पाइरुविक एसिड के अंदर, तो वो क्या करता है, आपको 2 एटीपी के मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, असल में बनते 4 हैं। ठीक है, बनते 4 हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, 2 जो है फिर से यूज हो जाते हैं इसी प्रोसेस में, फिर से यूज होते हैं, तो हमारे पास टोटल जो नेट गेन आता है वो होता है 2 एटीपी। ठीक है, 4 बनते हैं, 2 फिर से यूज हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास नेट गेन जो है, यानी कि कुल मिला के हमारे पास एटीपी जो हासिल होती है वो 2 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। और दूसरी बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, यही वजह है कि ये एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों के अंदर ये इनिशियल प्रोसेस है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होगी और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होगी, एनएरोबिक रिस्पायरेशन आपने पढ़ी थी और एरोबिक हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों के अंदर क्या है कि जो है पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, इस दोनों में जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दोनों के अंदर होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों के अंदर होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जिसके अंदर आपको 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट में होती है। ठीक है, और क्या है कि अगर हम इसका नाम देखें तो ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। देखें वहां पे एंड प्रोडक्ट क्या बनी थी, पाइरुविक एसिड बना था, पाइरुवेट बना था। अब कहानी उससे ही आगे जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि क्रेब्स साइकिल होता कहाँ पर है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल होता कहाँ पर है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये होगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो ये होगा माइटोकांड्रिया के अंदर, कहाँ पर होगा, माइटोकांड्रिया के अंदर होगा। और वो जो पाइरुविक एसिड बना था या पाइरुवेट बना था जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड था, वो पहले कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए के अंदर। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर 2 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा कि जो पाइरुवेट था, पाइरुविक एसिड था, वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम के अंदर। ठीक है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या है कि आगे क्या होगा कि सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम जो है वो आगे जाके मजीद थोड़ा रिएक्शन करेगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है इस कंपाउंड की हो जाएगी। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या है, एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, क्या 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 चीजें मिलेंगी आपको, एक आपको मिलेगा जी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगा, एटीपी के
मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो और साथ में एनएडी जो है और एफएडी ये रिड्यूस होके एनएडीएच और एफएडीएच बना देंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्रेस साइकिल के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और एनएडी और एफएडी, ठीक है, जो कि कोएंजाइम्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एनएडी और एफएडी जो है ये कोएंजाइम है जो कि रिड्यूस होके क्या हो जाते हैं, एनएडीएच के अंदर और एफएडीएच के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एफएडी सम्राट जो है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसी तरह जो है ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और साथ में देखिए एच की रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर एच आता है, हाइड्रोजन आयन की एडिशन होती है, इसका मतलब क्या है कि वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर क्या होता है, जैसे आमतौर पर ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो NADH बना था और साथ में FADH बना था, अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी मतलब रिमूवल ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये रिएक्शन होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और NADH और FADH में से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किधर जाएंगे, साइटोक्रोम्स में जाएंगे, ठीक है। साइटोक्रोम छोटे छोटे जो है वो एक चीज समझ के कैटेगरी सा कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जो है इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको आगे कन्वर्ट कर देता है, आगे जो है वो दे देता है, अगला जो है फिर से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको आगे ट्रांसफर कर देता है। यानी कि अगर मैं ड्रा करूँ साइटोक्रोम्स को, तो ये साइटोक्रोम्स है, ठीक है, ये डिफरेंट साइटोक्रोम्स है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इधर जंप करके आता रहता है और जो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जल्दी जाएगा, इसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएगी, ठीक है, इसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएगी। अब वो एनर्जी जो है जो लॉस हो रही थी, जैसी बात है जाया तो नहीं हो सकती, अब वो कन्वर्ट होती जाती है एटीपी के अंदर, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती जाएगी, एटीपी के अंदर। और आखिर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम पड़ जाती है, ठीक है, अब यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे आगे मजीद कम हो रही है, फिर आगे मजीद कम हो रही है, तो आगे जाके यही इलेक्ट्रॉन जो है, यही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, वाटर का, सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है और आगे जाके आपके पास क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, जो ऑक्सीजन यूज हो रही थी, ठीक है, जो ऑक्सीजन यूज हो रही थी वो आखिर में ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये क्या है कि ये जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई थी, उसको आखिर में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगी और कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये तीन रिएक्शन थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इसके अंदर भी काफी सारे जो है वो रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, और आपके पास साथ साथ एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। किसके अंदर कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये आप हायर क्लासेस के अंदर बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिस्पायरेशन के, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो हम बात करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस एंड रिस्पायरेशन, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस एंड रिस्पायरेशन। तो कुल मिला के रिस्पायरेशन के अंदर आपके पास बनते हैं 36 ATP के मॉलिक्यूल, ठीक है, 36 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि आपने ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ा था कि दो जो है फिर से यूज हो जाते हैं उसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। टोटल कुल मिला के अगर हम ये दो को निकाल दें तो हमारे पास टोटल जो ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं वो बनते हैं 38, लेकिन चूंकि दो जो है फिर से यूज हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, हमारे पास नेट गेन जो है वो कितना आ जाता है, 36 ATP के मॉलिक्यूल थ्रू आउट द एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, एनएरोबिक की बात नहीं करें, एरोबिक रिस्पायरेशन की, जो जिसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है टोटल सारी रिस्पायरेशन। तो उसमें कितना आपको ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 36 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज से आपको कितने 36 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है।